CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संथाली जनजाति की एक दंत कथा पर आधारित सृजन की कहानी कराम बिनती। मेरा नाम रसिक बास्के, मैं संथाली भाषा में सृष्टि का इतिहास बता रहा हूँ। मैं सृजन का कुछ इतिहास बताने जा रहा हूँ जो संताली में करम बिनती के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये उस समय की बात है जब दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। न धरती थी, न ही मानव, केवल अंधकार ही अंधकार था। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। ये उस समय की कहानी है कराम बिनती, जो हमारे सृजन के बारे में बता रही है। सहसा अंधकार से आवाज आने लगी, कौन है? कोई है तो बोलो, आवाज दो, मैं तो अकेला हूं। तभी अंधकार में दूसरी ओर से सुनाई पड़ा, कोई है तो बोलो, मैं तो अकेली हूं। इसके बाद दोनों मिलकर उसी तरह की ही आवाज करने लगे, कोई है तो बोलो, आवाज दो। तीसरी ओर से आवाज आने लगी, अरे हम लोग तो सृजन हो गए हैं आपके आशीर्वाद से। जिन जिन का सृजन हुआ उनके नाम थे ठाकुर जीव, ठाकुराइन गोगो, सारू, बारू, जीवा और जौंतर। अंधकार में ही सब लोग रह रहे थे। आवाज तो सभी लोगों को आ रही थी, लेकिन दिखाई किसी को कुछ भी नहीं दे रहा था। सभी लोग प्रकाश का इंतजार कर रहे थे। प्रकाश होगा कि नहीं, अंधकार कैसे दूर होगा? तब ठकुराइन गोगो से सिंह चांदो का सृजन हुआ। सिंह चांदो के आने के बाद प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और अंधकार कहीं लुप्त हो गया। अब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था, तथा प्रकाश होने के बाद अंधकार होने लगा और ये सिलसिला लगातार चलने लगा। और तो और सभी लोगों का आपस में परिचय भी हो गया। सिंह चांदो से प्रकाश का सृजन हुआ एवं यिंदा चांदो से अंधकार का सृजन हुआ। इसीलिए सिंह माने दिन और यिंदा माने रात। प्रकाश आने से सबने देखा कि ठाकुर जीव के हाथ में एक मिट्टी का प्याला यानी माली भी है। तभी ठाकुर जीव ने मिट्टी पर फूंक दिया, माने ओंकी किया। मिट्टी पानी में गल गई तथा उस पानी से समस्त सृष्टि जलमग्न हो गई। उसका नाम जालापुरी पड़ा। जालापुरी में ठकुराइन गोगो दिन में स्नान करने आती थी। जिस जगह वो स्नान करती थी उस जगह का नाम कोले लावका पड़ा। कोले लावका का मतलब है नाव के आकार का। एक दिन नहाते हुए ठकुराइन गोगो के शरीर से काफी मैल निकला। उस मैल से मानव आकृति बनाकर कोले लावका में रख दिया। चिंग सादोम, एक प्रकार का घोड़ा, पानी पीने के लिए कोले लावका में आया। उसने वहाँ पानी पिया। दूसरे दिन जब ठकुराइन गोगो स्नान करने आई तो देखा कि सिंह सादोम ने मानव रूप कुचल दिया है। वो बहुत दुखी हुई। बची खुची मिट्टी से उन्होंने मानव स्वरूप को बनाने का फिर से प्रयत्न किया, लेकिन स्वरूप उतना अच्छा नहीं बन सका। ठकुराइन गोगो ठाकुर जीव से बोली,
इसको जीवन दान दे दो, यानी जिंदा कर दो। ठाकुर जीव के आशीर्वाद से उसको जीवन दान तो मिल गया, लेकिन चिड़िया के जोड़े के रूप में हंस हासिल। इसके बाद हंस हासिल दोनों ठाकुर जीव से प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जीव, जन्म तो दिया लेकिन रहने के लिए घर और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तब इसके बाद ठाकुर जीव ने पातालपुरी का सृजन किया। जालापुरी में ठाकुराइन गोगो का बाल एवं झाग का कुछ अंश रह गया था, उससे काई यानी डोल या सियालोम का सृजन हुआ। काई में से एक पौधे का सृजन हुआ जिसका नाम पड़ा कारामदारे। कारामदारे के नीचे घास यानी सिरोम पैदा हुई। हंस हासिल ने सिरोम में घोंसला बनाया। इसके बाद ठाकुर जीव ने आईनी गाय बाईनी गाय, एक प्रकार की दुधारू गाय का सृजन किया। आईनी गाय बाईनी गाय सबको दूध पिलाने लगी। तब मानव रूप बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद उनको देखने के लिए सारांगपुरी से ठाकुर जीव, ठकुराइन गोगो, जाहिर एरा, गोसाई एरा, मोड़े को, तुरई को एवं मारांग बुरु पहुंच गए। सभी लोगों ने उनके जन्म की खुशी मनाई। उसके बाद दोनों मानव स्वरूपों का नामकरण किया गया, पिलचू हाड़म और पिलचू बुढ़ई। अंत में कच्छिम कुवारी एवं रायमात लेंडोम के प्रयास से मिट्टी सात जोजनपुरी से लाई गई एवं धरतीपुरी का सृजन किया गया। ठाकुर जीव ने सबको धन्यवाद दिया। धरतीपुरी बन चुकी है, सबका प्रयास सफल रहा। इसके बाद उन्होंने गीत गाए। उनके मूल शब्द इस तरह हैं, दाग दो दाग गे काटिच या लाख दाग, दाग ते बेनाव लेना जालापुरी, फोटो दो फोटो गे काटिच चुलूंग फोटो, फोटो ते बेनाव लेना सारांगपुरी, हासा दो हासा गे मित गुली हासा, हासा ते बेनाव लेना धरतीपुरी। ना पिरेतेन एहो कोई सिरी जावले दानुआ दरते। तो ये सृजन की कहानी यूं समाप्त होती है। कराम बिनती। अभी आप सुन रहे थे संथाली जनजाति में प्रचलित ये दंत कथा, जिसका अर्थ है सृजन की कहानी। संथाली से मूल हिंदी अनुवाद और गायन स्वर रसिक बास्की, वाचन स्वर प्रोफेसर अन्विता अब्बी, ध्वनि अंकन शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण एवं ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।